हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सो चिल्ड्रेन, टुडे आवर लेसन इज चैप्टर 7, रेन। इट इज़ अ वेरी नाइस पोएम अबाउट रेन। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज रेन, बारिश। सो रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द अर्थ, इज़न्ट? हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा सी है, पानी का भाग ज़्यादा है, मगर वह हमारे यूज़ उपयोग करने लायक नहीं है। हम उसको पी नहीं सकते, अपने रोज़मर्रा के कामों में यूज़ भी नहीं कर सकते। जो हमें स्वीट वाटर आता है, जिसको हम पीने में, खाने में, वॉशिंग में, नहाने में यूज़ करते हैं, इट मेनली कम्स फ्रॉम रेन। ओके, सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द अर्थ। सो टुडे आवर पोएम इज़ रिलेटेड टू रेन। लेट अस सी व्हाट दे हैव टॉट अस। So this is the page of your textbook. It is very light in color because I have prepared this PPT from the textbook. Okay children? So यहाँ पे आपको थोड़ा से pages इसके light नज़र आएंगे. So this is the page, unit 4, rain. So this is only one stanza. हमारा जो ये poem है एक ही stanza का है, but meaning is very broad. इसका जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है. एक पैरा होते हुए भी इसका मीनिंग बहुत बड़ा है. So let us read the poem. R-A-I-N, rain. The rain is raining all around. It falls on fields and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. So the rain is raining all around. Yes, बारिश हमारे चारों ओर हर जगह गिरती है। बारिश की कोई सीमा नहीं है। जब बारिश गिरने लगती है वह हर जगह समान रूप में गिरती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज। सो जब बारिश होती है वह पेड़ों पे, पौधों पर, ग्रासलैंड्स में, मैदानों में, हर जगह पर गिरती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड, FIELD, फील्ड मतलब मैदान, जहाँ हरी भरी घास हो या खेती बाड़ी हो, उसको फील्ड कहा गया है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज। वह मैदानों में, पेड़ों पर, पौधों पर, हर जगह पर गिरती है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। और जहाँ पे हम इंसान रहते हैं, हम बारिश से बचने के लिए अपनी अम्ब्रेलास यूज़ करते हैं, हमारे अम्ब्रेलास पर भी वह गिरती है। एंड ऑन द शिप्स एट सी। सो धरती पर तो गिरती ही है, धरती पर, पौधों पर, मैदानों में, पेड़ों पर, रोड पर, हर जगह तो गिरती ही है, मगर वह सीज पे भी गिरती है, महासागरों पर भी बारिश होती है, और वहाँ से जाने वाली शिप्स के ऊपर भी बादल बरसती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। मीन्स रेन फॉल्स ऑल ओवर द अर्थ। जो हमारी बारिश है वह धरती पर हर जगह समान रूप पर ही गिरती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जहाँ इंसान हो वहीं बारिश होती है, जहाँ इंसान नहीं है, जंगल है, पर्वत है, वहाँ तो बारिश होती ही नहीं, ऐसा नहीं होता। सो बारिश किसी प्रकार की भेदभाव ना किए बगैर हर जगह समान रूप पर गिरता है। ओके चिल्ड्रेन, सो बहुत अच्छा पोएम है, RAIN, रेन। हम सभी लोग बारिश की महत्वता जानते हैं। हम इंसानों के लिए बारिश कितना ज़रूरी है हम सभी को पता है। किसानों के लिए भी रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम अनाज खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उन सभी को अच्छे से उगने के लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वी ऑल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन। चिल्ड्रेन ऑल्सो लाइक टू प्ले इन रेन। हम बच्चों को भी बारिश बहुत पसंद है। रेनी सीजन में जब पहली बार बारिश होती है, सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी उत्साह से बारिश में भीगना पसंद करते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल पोएम अबाउट रेन। एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये हमारे कवि हैं इस पोएम के। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइजेस। So there are only 3 new words, but अगर आप इस poem को read करेंगे, you will find some more new words. Okay? जैसे raining है, around है, field है, umbrella, ships. Okay? Here, H-E-R-E here. So you will find some more new words. You can write them in your CW and practice them. Okay? आप इन 3 शब्दों के साथ आपको और जो भी words hard लगे अपने CW में लिखकर उसकी अच्छी practice कर सकते हैं। Okay children? Now let us read the new words. FIELD, field. FIELD, field. Umbrellas. UMBRELLAS, umbrellas. It is in the plural form.
यहाँ हमारा जो अम्ब्रेला है उसको प्लूरल में बताया गया है, एस ऐड हुआ है. ओके, अम्ब्रेलास. ships, एस एच आई पी एस, ships. ships इज ऑल्सो इन द प्लूरल फॉर्म, इसमें एस ऐड किया है इसलिए वह प्लूरल फॉर्म में दिया गया है. फील्ड, अम्ब्रेलास, ships. नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो रीडिंग इज फन, लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स. वेयर डज द रेन फॉल, सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है बारिश कहाँ गिरती है. द रेन फॉल्स ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज. हमें बारिश में, हमें पोएम में क्या बताया गया है बारिश कहाँ पर गिरती है, वह फील्ड्स में और ट्रीज पर, मैदानों में और पौधों पे, पेड़ों पर, सब पर बरसती है. वॉट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं. व्हेन द रेन फॉल्स पीपल यूज अम्ब्रेलास, सो लोग अम्ब्रेलास का उपयोग करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक, दिस वी हैव टू डिस्कस. वॉट डू यू डू ऑन अ रेनी डे, अब आपसे पूछा गया है, आप अपनी चॉइस बताइए आप रेनी डे में क्या करते हैं. सो व्हेन इट रेन्स आई लाइक टू वॉच, आई डोंट लाइक टू टेक बाथ बट आई लाइक टू वॉच द रेन, मुझे बारिश को देखने में मज़ा आता है. ओके, सबको अपनी अपनी चॉइस बतानी है. अगर आप नहाते हैं तो यू कैन से आई प्ले इन रेन, आई फ्लोट द बोट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, सो आप अपने आप को बारिश में कैसे सुखा कर रखते हैं, बारिश में भीगे बगैर अपने आप को किस तरह से बचाते हैं. सो वी यूज अम्ब्रेलास एंड रेन कोट्स टू कीप आवर सेल्फ ड्राई. इसे बारिश में हम हैं मगर हम भीगते नहीं हैं, किन चीज़ों की मदद से, हम रेनकोट पहनते हैं तो भी नहीं भीग पाते हैं और अम्ब्रेलास होने पर भी हम कई बार भीगने से बच जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, सो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है क्या आपको पानी में खेलना पसंद है. यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर, मुझे अच्छा लगता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट, से वॉट थिंग्स लिव इन वाटर, वेरी नाइस क्वेश्चन, बताइए पानी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. सो फिश, डॉल्फिन, वेल, क्रैब, ऑक्टोपस, सी लायन, स्टार फिश, सो मैनी थिंग्स आर देयर, टोरटॉइस, टर्टल, ऑल दीज एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स लिव इन वाटर, सो ये सारे चीज़ें पानी में रहने वाले जानवर हैं. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्लू. अब आपको यहाँ पे पजल दिया गया है, उनके साथ साथ में कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे एक बल्ब का पिक्चर है, देन मून, हवा चल रही है, विंड, बादल है मगर बादल के अंदर हवा का डायरेक्शन दिखाया गया है, मीन्स बहुत तेज हवाएं हैं. नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे क्लाउड का. ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स, सो लेट अस स्टार्ट. सो पहला पिक्चर है स्नो, यहाँ पे ये मेरे बुक में आपको लाइट नज़र आएगा, आपके टेक्स्ट बुक पर यू कैन सी द पिक्चर्स क्लियरली, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. सो फर्स्ट पिक्चर इज एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो. अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के बाद यहाँ पे बादल हैं, उसके बीच में से तेज़ हवाओं का दिखाया गया है, सो डब्ल्यू आई एन डी, विंड, डब्ल्यू आई एन डी, विंड. नाउ थर्ड पिक्चर, थर्ड पिक्चर में क्या है, क्लाउड, बादल, सी एल ओ यू डी, क्लाउड. नाउ फोर्थ पिक्चर मून, एम डबल ओ एन मून, एम डबल ओ एन मून. सो नेक्स्ट है लाइट, यहाँ पे बल्ब का पिक्चर है ना, एल आई जी एच टी, लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट. अब यहाँ पे आग जल रहा है सो बहुत गर्म है, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेट अस सी, एच ओ टी, हॉट. ओके, सो अगला पिक्चर स्टार, एस टी ए आर, स्टार. सो दिस इज वन मोर इज लेफ्ट, सो चिल्ड्रन टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड यू कैन फिल इट बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट इन माई
PPT. Okay. So next exercise again. What would you call these pictures in your language? आप अपनी भाषा में इन pictures को क्या बुलाएंगे? So this is moon. हम इसको क्या कहते हैं? Moon. 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 This is sun. 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 And this is cloud. 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 And star. 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 Okay. Now look at these pictures and fill in the blanks from the words in the box. So यहाँ पे आपको कुछ pictures दिखाए गए हैं और यहाँ पे word के अंदर बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं river रिवर मतलब नदी pond पॉन्ड मतलब झील छोटा सा झील ओके sea बहुत बड़े होते हैं महासागर लेक भी पॉन्ड से बड़ा होता है ये भी जैसे काकरिया लेक हमारा है ना इस प्रकार से लेक पॉन्ड से बड़ा होता है लेक और लेक से बड़ा रिवर रिवर से भी बड़ा सी ओके चिल्ड्रन नाउ फर्स्ट पिक्चर पिक्चर नंबर वन सो पहले पिक्चर में हमें क्या करना है द शिप इज सेलिंग ऑन द सी सो फर्स्ट में लिखेंगे SEA. नंबर टू पिक्चर द डैश फ्लोस फ्रॉम द माउंटेन्स सो पर्वतों पर से क्या बहती हुई आती है पर तो पर्वतों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा आइस होता है वह पिघल कर कंटिन्यू साल पर पूरा वह नीचे बहता ही रहता है सो पर्वतों पर से क्या बहते हुए आता है रिवर सो RIVER रिवर RIVER रिवर नेक्स्ट द डक इज स्विमिंग इन द लेक सो लेक LAKE लेक द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड POND पॉन्ड Okay, like this you have to complete the exercise and with this we have completed our poem Rain. So, बहुत अच्छा सा poem है, बहुत अच्छे से learn करिए इसको और reading की practice भी करिए because there are only 4 lines in this poem. So, hope you have understood the poem very well and go through it once again. Bye-bye children.